हाँ तो दोस्तों, आप ये जो देख रहे हैं इसमें आज हम करने वाले हैं हार्मोन रूटिंग, जो हमारे जड़ को बहुत ही जल्द से जल्द को पूर्वाक करे। तो ये जो हमारे सामने आपको दिख रहा है, जो हल्दी है यानी कि टर्मरिक, और ये एलोवेरा है जो ये भी हमारे जड़ को बहुत जल्दी ग्रो करता है, और ये है रूटिंग हार्मोन, ये जो हम मार्केट से लाए हैं। तो आज आपको ये बताएंगे, जो आप घर में और बाहर से ये जो रूटिंग हार्मोन होता है इसे लाकर अपने जो भी कटिंग आप लगाते हैं, तो कौन सा ऐसा चीज़ है जो जिसमें ज़्यादा हमें जड़ देखने के लिए मिलेगा और बहुत ही जल्दी वो ग्रो करेगा। तो आज तीन चीज़ से हम करके दिखाएंगे। और हमारा ये जो डिस्पोजल ग्लास है, इसमें हमारा सब में एक एक अक्षर लिखा हुआ है, यानी हल्दी का है तो टी है, और ये एलोवेरा का है तो ए है, और ये हार्मोन रूटिंग है ये है एच। तो इससे हमें पता चलेगा कि कौन सा हम ये जो हल्दी डाले हैं तो इसमें हमारा जड़ बहुत ही अच्छा आएगा, या एलोवेरा डाले हैं तो इसमें अच्छा जड़ आएगा, या हार्मोन रूटिंग ये मार्केट से खरीद के लाए हैं इसमें जड़ अच्छा आएगा। तो ये आज आपको जानकारी देंगे ताकि आप समझ सकें कि हम अपने घर से भी हम जो हमारे घर में हल्दी एलोवेरा है इसे हम यूज कर सकते हैं। यदि इससे जड़ ज़्यादा अच्छा आता है तो ये ज़्यादा पैसा का नहीं आता, इसे भी खरीद कर आप रूटिंग हार्मोन कर सकते हैं। तो आइए बताते हैं इसे कैसे करना। तो ये हमारा है गुलदावरी का कटिंग हम लगाएंगे, क्योंकि अभी हम गुलदावरी का कटिंग लगाएंगे तो हमारा समय पर यानी अच्छे समय पर जब फूल देने आए लगेगा, यानी सीजन आ जाएगा इसका, ठंड का सीजन आ जाएगा, तो ये हमें फूल पौधा हमें खरीदना नहीं पड़ेगा और ये फूल हमें भरमार देगा। तो अभी से इसका हम पेड़ तैयार रखेंगे तो हम अपने बगिया में ढेर सारे फूल ले सकते हैं। तो आइए इसे हम बताते हैं कि इसे कैसे हम ग्रो करें। तो सबसे पहले लेना है हमें मिट्टी, और मिट्टी के साथ में है ये हमारा रेत भी मिला हुआ है, और थोड़ा बहुत गोबर खाद है यानी सड़ा हुआ गोबर खाद भी इसमें डाले हैं। तो केवल तीन चीज़ से हम इसे ग्रो करेंगे, और कितना दिन में ये ग्रो होता है ये सारा बताएंगे। तो आप हमारे वीडियो में नए हो तो हमारे वीडियो को कर दे लाइक, चैनल को कर दे सब्सक्राइब, ताकि इस तरह कभी भी वीडियो डालें तो मेरा नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुँचे। तो आइए दोस्तों, इसे हम पत्ते को इसे साफ़ कर लिए हैं। अब इसे करना क्या है, इसे तिरछा काटना है बिल्कुल इस तरह तिरछा काट लिए। अब इसे क्या करना है, एक एक करके उठाएंगे और इसे पानी में भिंजा लेंगे। और सबसे पहले ये रूटिंग हार्मोन का लेते हैं, इस तरह पानी में भिंजा लिए हैं। अब इसे क्या करना है, इस पर डिप करके इसमें हमारा लग गया। अब इसमें क्या करना है, ये जो हमारा मिट्टी है इसे डालते हैं, अच्छा से दाब के डालेंगे, और ये जो गिलास में छेद नहीं रखे हैं क्योंकि इसमें हम पानी हिसाब से डालेंगे, और देखना चाहते हैं कितना दिन में ये जड़ आ जाता है। क्योंकि ज़्यादा नहीं भरेंगे, इसमें थोड़ा सा पानी उनी भी डालेंगे, तो इतना पानी नहीं डालना है कि केवल मिट्टी भिंजा हुआ रहे यानी नमी बना रहे, इसमें ज़्यादा पानी नहीं डालना है तो हमारा जो पौधा है गल जाएगा, मात्र इतना डालना है। अब हमें लेना है एलोवेरा, एलोवेरा से क्या करना है, इसे तिरछा काट लेना है बिल्कुल उसी तरह, और इसे एलोवेरा का ये क्या करना है, इसे इसमें डिप करना है यानी अच्छा से इसे लगा लेना है, मात्र इतना ही काम है इसलिए हम इतना ही तोड़े हैं। अब इसे क्या करना है, इस पर भी मिट्टी उसी तरह भरना है, अच्छा से दाब लेना है और इसे उसी तरह हॉल करना है। अब हल्दी यानी टर्मरिक, इसे क्या करना है, इसे पानी में भिंजाना है, इसे भिंजा लिए हैं और हल्दी को अच्छा से लगाना है, इस तरह हम लगा लिए हल्दी। अब क्या करना है, इसे मिट्टी भरना है, मिट्टी भी हमारा ज़्यादा नहीं लगा और हमारा पौधा तैयार हो जाएगा। जब पौधा तैयार होगा तो हम इसे बड़े गमले में बदली करेंगे। पानी आपको इस तरह देना है
फुचकारी से इस तरह, मात्र थोड़ा सा देना है आपको, बस मिट्टी भिजाना है इस तरह, बिल्कुल इस तरह। और डेली पानी नहीं देना है आपको, देखें कि पानी मिट्टी ड्राई हो गया है तभी आपको देना है, क्योंकि इस गिलास में छेद नहीं है तो इसे ज़्यादा पानी नहीं देना है, केवल मिट्टी में नमी बनाए रखे, बिल्कुल इस तरह। अब क्या करना है दोस्तों, अब हमें करना है 15 दिन का इंतज़ार, क्योंकि 15 दिन में जड़ बहुत ही अच्छा आता है। तो आइए मिलते हैं हम आपसे 15 दिन बाद। दोस्तों 15 दिन के बाद आपसे मिल रहे हैं, और ये पौधा में हमारा क्या इसका रिजल्ट है, कितना अच्छा जड़ आया है, तो आज आपके साथ शेयर करेंगे। टर्मरिक लगाकर, अलवीरा लगाकर और रूटिंग हार्मोन लगाकर हमारे पौधों में कौन सा अच्छा जड़ आया, कौन सा अच्छा ज़्यादा पौधा आया है, जो आप भी अपने घर पर इस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये चीज़ दिखाना आपको ज़रूरी था, क्योंकि आपके घर में भी गुलदावरी का फूल होगा तो इस तरह कटिंग आप अपने घर में लगाकर इसे ढेर सारे फूल ले सकते हैं इसका सीजन आने पर। तो आइए देखते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं, तो ये रहा टी, यानी ये हल्दी है, इसलिए हम अक्षर लिख दिए हैं, आपको दिख रहा होगा टी है, तो यानी हल्दी का इससे हम ग्रो किए थे। तो अब देखना चाहते हैं इस पर जड़ कैसा आया है, तो इसे कवाड़ते हैं। जड़ तो आया है उतना, बहुत ही अच्छा आया है, घर का आप देख सकते हैं ये जड़ आया है, आपको जड़ दिख रहा होगा, तो इसे यहाँ रख देते हैं। अब देखते हैं इसका, यानी अलवीरा ए, इसलिए हम अक्षर लिखे थे। अब इसे हम कवाड़ कर देखते हैं कि कितना अच्छा इसका जड़ आया है, बहुत ही अच्छा इसका जड़ आया है, यानी अलवीरा का बहुत ही अच्छा जड़ आया है, आप देख सकते हैं कितना घना जड़ आया है। तो इसे भी यहाँ रख देते हैं और इसके सामने ये रख देते हैं। अब ये है रूटिंग हार्मोन एच, इसमें एच का मार्का दिया हुआ है, तो अब इसका रिजल्ट देखते हैं कितना अच्छा आया है। इसका भी जड़ बहुत ही अच्छा आया है, और जड़ के साथ एक कंची लगाए थे, यहाँ दो कंची प्राप्त हुआ, यानी रूटिंग हार्मोन से आप देख सकते हैं जड़ के अलावा बहुत जल्दी ग्रो करता है। यानी रूटिंग हार्मोन आप बाज़ार से लगाते हैं तो वो रूटिंग आपका जल्दी से पौधा को तैयार करता है। तो कहने का हमारा मतलब है कि तीन पौधा हम तीन तरह का लगाए हैं, पर जड़ इस पे बहुत ही कम आया है, पौधा तैयार हुआ, ऐसा नहीं कि पौधा तैयार नहीं हुआ है। ये आपका हल्दी से और ये अलवीरा से बहुत ही इसका रिजल्ट हमको अच्छा लगा, अलवीरा का, और ये रूटिंग हार्मोन का हमें ये अच्छा लगा कि ये जड़ के साथ दूसरा कटिंग भी तैयार किया है। तो ये मेरे सोच से ये बहुत ही जल्दी पौधा को तैयार करता है, और इसका रूटिंग हार्मोन से आपका पौधा तैयार होता है, यदि इसका सीजन रहता तो ये साथ में फूल भी लेके आता बाहरी रूटिंग हार्मोन से। तो इस तरह आप अपने घर पर पौधा लगाएं रूटिंग हार्मोन से, हल्दी से, टर्मरिक से या अलवीरा से, तो इस तरह का आपका पौधा बहुत जल्दी तैयार होगा। ये हमारा 15 दिन का रिजल्ट है। तो इस तरह का हमारा जानकारी आपको कैसा लगा, अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।